हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलोकी इनू के ऊपर। जी बिल्कुल, फिलोकी इनू के ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है, क्योंकि फिलोकी इनू जो है खुद का एक नेटिव टोकन लॉन्च करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें उन्हीं के ऊपर ही करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबा लें, साथ में बैल के आइकन को दबा लें, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, फ्लोकी के रिलेटेड कोई भी क्वाइन हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने फ्लोकी इनू की तरफ। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात, देखने की कोशिश करते हैं कि भाई फ्लोकी इनू के साथ साथ बिटकॉइन भी किन हालात के साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बिटकॉइन 5,24,458 पे चल रहा है, 0.4% बढ़ चुका है। इथेरियम की बात करें तो 1,553 पे चल रहा है, 1.7% डाउन जा चुका है। बीएनबी $210 पे चल रहा है, 1.1% डाउन जा चुका है। एक्सआरपी $0.48 पे चल रहा है, 1.4% डाउन जा चुका है। सोलाना $24 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई मार्केट के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे फ्लोकी इनू के हालात। तो भाई फिलोकी इनू 165 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.40 के बाद 1812 करंट प्राइस देखने को मिल रही है, 2.6% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई प्यारा बीटीसी 2.3% और इधर के हिसाब से 4.5% हमें जो है फिलोकी इनू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये एनुअली बेसिस पे 163% का गेन दिला चुका है, 30 दिनों में 13% का गेन दिला चुका है, पिछले 14 दिनों में ये 4% डाउन जा चुका है, लेकिन 7 दिनों में 8.6% जो है वो ऑलरेडी बढ़ भी चुका है। तो यहाँ पे अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर मैं नजर डालता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि आज जो मार्केट है वो 52 स्कोर के साथ न्यूट्रल है, कल 50 स्कोर के साथ न्यूट्रल थी, लास्ट वीक 45 स्कोर के साथ हमें फेयर में देखने को मिलती है, और लास्ट मंथ की बात करें तो भाई 46 स्कोर के साथ हमें एक फेयर कंडीशन पे जो है मार्केट देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये हो चुके हैं मार्केट के हालात, फिलोकी के हालात, बिटकॉइन के हालात। तो बात करते हैं अब हमारी मेन न्यूज़ की। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली, फिलोकी अनाउंस टू प्लान टू लॉन्च अ न्यू टोकन। जी बिल्कुल, फिलोकी एक नया टोकन लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ पे भाई फिलोकी हैज आउटलाइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर द इमीडिएट एग्जीक्यूशन स्केड्यूल टू बींग ऑन October 2027। जी बिल्कुल, नया रोड मैप में नई नई चीज़ें इन्होंने अनाउंस की है, जिसपे हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई फिलोकी नया टोकन लॉन्च करने जा रहा है। फिलोकी इज proposing to launch a staking reward token in a response to community demand emphasizing long-term sustainability and added value for token holders. The reward token's future includes staking-based earning, liquidity pool creation, and focus on a utility with a flexible staking period to reduce Floki token circulation. जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो है स्टेकिंग के हिसाब से एक टोकन लॉन्च करना है, क्योंकि आप जब भी टोकन को स्टेक करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है। तो ये एक टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं, जब भी आप फ्लोकी का कोई स्टेकिंग करेंगे तो उस स्टेकिंग के बदले आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो आपको उसी ही टोकन के बेसिस पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, और इसी वजह से जो है फ्लोकी जो है नया टोकन लॉन्च करने जा रहा है। अगर आगे की मैं बात करूँ तो भाई आगे फ्लोकी इनू का एक मिस्ट्री प्रोजेक्ट भी है जो हमें देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट TL भी देखने को मिलेगा। तो फ्लोकी की दुनिया में आगे चल के हमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने जब देखा तो फ्लोकी ने यही ट्वीट की थी, शुड फ्लोकी लॉन्च स्टेकिंग रिवार्ड टोकन, ये लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। जैसे ये जो टोकन होगा विथ यूटिलिटी के साथ होगा, इनके अंदर जो काफ़ी एक वो इनका कहना है कि $1 trillion का जो है हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा, और कह रहे हैं इस टोकन का कोई भी प्री सेल नहीं होगी, प्राइवेट सेल नहीं होगी और फंड राइजिंग नहीं होगी, ये सीधा डायरेक्टली जो है वो टोकन लॉन्च किया जाएगा जस्ट फ्लोकी के मेन टोकन को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोकी की एक जो प्रोडक्ट है फ्लोकी फाई, उसकी काफ़ी यूटिलिटी है, और इसी वजह से ये जो है अपना एक नेटिव टोकन लेके आ रहे हैं। फ्लोकी की दुनिया में वैसे भी अगर बात करें वलाला को लेके, ये काफ़ी सारी चीज़ें नई नई अपडेट्स वगैरह वो डेली बेसिस पे जो फ्लोकी इनू है वो लेके आते रहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई फ्लोकी इनू को नेटिव टोकन लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।